हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर MP44 में। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आपने एक खबर सुनी ही होगी और नहीं भी सुनी है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। जो ये जो वीडियो है पूरा नीमच मंडी से जुड़ा हुआ है आज का, और काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था कि नीमच मंडी कब खुलेगी, तो खुशखबर आ गई है। तो देखिए आप, नीमच मंडी जो है मध्य प्रदेश शासन व जिला प्रशासन के आदेश अनुसार आगामी तारीख कल 1 जून 2021 से नीमच कृषि उपज मंडी में नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मंडी कमेटी की ओर से एक सूचना निकाली गई है। तो यह सूचना यह है कि 1 जून से नीमच कृषि उपज मंडी में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नीलामी की प्रक्रिया जो शुरू होगी, इसमें जो बिक्री होगी, जो भी फसल लाएंगे किसान भाई, वो ट्राली के अंदर ही बिक्री होगी। यानी कि उसको ज़मीन पर खाली करने की आवश्यकता नहीं है और ट्राली के अंदर ही उसकी बिक्री होगी। और उपरोक्त निर्देश के अनुसार आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा उल्लंघन करते पाए गए तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा सकती है। और मास्क कंपलसरी लगाना आपको है, और सभी मास्क लगाकर ही मंडी में प्रवेश करें, अन्यथा आपको एंट्री नहीं दी जाएगी बिना मास्क के। और आपके पास सैनिटाइज़र भी होना चाहिए, और आप जिस ट्राली वगैरह में ट्रक ट्राली जो भी है उसमें माल लेके आते हैं तो उसमें आपको एक वाहन पर एक ही होना चाहिए, एक ही व्यक्ति होना चाहिए, और सभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होने चाहिए। जो भी व्यापारी आते हैं उनसे भी अपने को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है ताकि अपने को कोई असुविधा ना हो। अन्यथा अपन मंडी में बहुत सारे के टच में आते हैं और उसके बाद में घर जाते हैं तो फिर परिवार में भी टच में आते हैं, तो इस प्रकार से संक्रमण फैल सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, अपने साथ मास्क सैनिटाइज़र रखें और मास्क को हमेशा लगा कर रखें। मंडी में जहाँ पे भी आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएँ तो मास्क ज़रूर लगाएँ। अब जो ये नीमच मंडी का निर्देश है, इसमें लिखा है कि उसमें बताया गया है कि लहसुन प्याज और किराना और औषधि जिन्स की नीलामी सोमवार मंगलवार और बुधवार को होगी। यानी कि लहसुन जो है आप और प्याज, इनकी नीलामी सोमवार मंगलवार बुधवार को होगी। इसके अलावा किराना जिन्स यानी कि जितने भी किराना की फसलें हैं, जैसे धनिया है, कलौंजी हो गया, इसबगोल है, और जीरा वगैरह, अजवाइन, इन सब की किराना जिन्स जितनी भी है इन सब की नीलामी सोमवार मंगलवार बुधवार को होगी। इसके अलावा औषधि जिन्स यानी कि जितनी भी शतावरी, अश्वगंधा वगैरह, सफ़ेद मुसली, जो भी औषधि फसलें आती हैं इसमें सारी प्रकार की औषधि जिन्स आ जाएगी। यानी कि औषधि फसलें जितनी भी है सब सोमवार मंगलवार बुधवार को नीलामी होगी। यानी कि लहसुन प्याज किराना, यानी किराना में आपका ये इसबगोल, कलौंजी, अजवाइन, ये सारी फसलें आ जाएगी, धनिया वगैरह। इसके अलावा औषधि जिन्स जो है इसमें शतावरी, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली और भी जो भी औषधि फसलें हैं सब सोमवार मंगलवार को और बुधवार को नीलामी होगी। इसके अतिरिक्त तिलहन अनाज और दलहन वाली जितनी भी फसलें हैं, तिलहन अनाज और दलहन जिन्स की जितनी भी फसलें हैं, ये गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को नीलामी होगी। यानी कि तिलहन में आने वाली जितनी फसलें, यानी कि तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, इसके अलावा मूँगफली हो गया और सरसों वगैरह, ये सब तिलहन में आती है। अनाज में जैसे जो भी गेहूँ, मक्का वगैरह जो भी अनाज में आते हैं इन सब की नीलामी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होगी। और जितनी भी दलहन वाली फसलें हैं, जैसे दाल वाली फसलें भी देखें तो चना की जिस दाल बनती है वो वाली फसल है, मसूर वगैरह हो गया, और बहुत सारी दाल वाली, उड़द वगैरह, मूंग वगैरह, जो भी दाल वाली फसलें हैं इन सब की नीलामी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को होगी। तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, लहसुन प्याज किराना और औषधि जिन्स की जितनी भी फसलें हैं, औषधि फसलों में सारी फसलें आ जाती है, अश्वगंधा वगैरह, शतावरी वगैरह जो भी है सब आ जाएगी। किराना में कलौंजी, मूँग कलौंजी वगैरह हो गया, और तिलहन में जैसे देखा तो मूँगफली वगैरह हो गया, ये सब दो दो शेड्यूल में नीलामी होगी। लहसुन प्याज किराना और औषधि जिन्स की नीलामी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को होगी। इसके अलावा तिलहन अनाज और दलहन जिन्स की नीलामी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी जानकारी पूरी। तो दो टुकड़ों में नीलामी होगी, अब पहले जैसा नियम नहीं रहा है, अपने को बहुत सावधानी रखना है, अन्यथा समस्याएं आ सकते हैं कई, और चालानी कार्रवाई भी हो सकती है, और थोड़ा पारिवारिक प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि
मंडी में टच में आते हैं सभी के, और घर पे जाके हर किसी के टच में आएंगे तो फिर संक्रमित भी हो सकते हैं। आपको पूरी सावधानी बरतना है। मंडी से घर जाते समय आपको घर पे जाके नहाना अवश्य है, और मास्क सैनिटाइज़र अपने साथ रखना है, मास्क हमेशा लगा कर रखना है। तो आप सावधानी बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत समस्या वाला दौर है। और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के सब के भी सदस्यों, व्यापारी संघ हम्माल, तुलावटी संघ, मंडी कर्मचारीगण इत्यादि का कोरोना टेस्ट प्रति सप्ताह करना होगा, इसमें ऐसा निर्देश में बताया गया है। और उनकी एंट्री उसी कार्य पर एक माह तक ही रहेगी, और उन्हें अस्पताल से एक कार्ड जारी किया जाएगा जिन्हें कोरोना टेस्ट कार्ड धारण करना होगा, ऐसा शासन का निर्देश है। तो आप सभी सावधानी ज़रूर बरतें और अपना माल आसानी से बिक्री करें, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आप सावधानियां बरतेंगे। यदि आप मास्क नहीं लगाएंगे और बिना मास्क के पाए गए तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। और सोशल डिस्टेंसिंग आपको ज़रूर रखना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है, मास्क लगा के रखना है, और सैनिटाइज़र ज़रूर अपने पास रखना है। और हो सके तो एक ट्राली में एक ही प्रकार की फसल लेके आए, ताकि किसी भी नीलामी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाली सभी जानकारी भी मिलती रहे। धन्यवाद।